वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडियक रीडिंग में हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि जनवरी 2022 आप लोग के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में आप लोग के लिए क्या एडवाइस है इस मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे रीडिंग कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा आप लोग का इस मंथ जो फोकस है, क्योंकि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फैमिली के ऊपर रहेगा। हो सकता है कि ये मंथ यू नो आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आके पड़े हैं आपकी फैमिली के साइड से, या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें कि यू नो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करो या फिर आप उनके लिए करो। तो थोड़े से यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की डिमांड्स यू नो हो रही हैं, और या फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपके फैमिली वाले जस्ट पूरे तरीके से आपसे होप लगा के बैठे हैं कि इस बार ही आप वो कर ही दोगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ, सबसे पहली चीज़ कि आप थोड़ा सा इस प्रेशर में हो। नो डाउट आपके फैमिली की तरफ से सपोर्ट पूरा है, आपको प्यार पूरा है, आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स पूरी हैं आपको, लेकिन कभी कभी जब दूसरे इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना हमसे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। अपनी फैमिली में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हो, अगर आप यू नो जैसे बड़े भाई बहन होना, तो ऐसी कुछ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी आप लोगों की देख रही हूँ। एंड डेफिनेटली अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में आप लोग कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, यू नो अगर आपकी लाइफ स्टाइल को देख के या फिर आपके घर में आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटा तुम ये कर लो, बेटा तुम अपनी हेल्थ के लिए ऐसे करो, तुम योगा करो, तुम प्राणायाम करो, या फिर अगर आपको कोई हेल्थ इशू है और वो चाह रहे हैं कि आप यू नो नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से आप उसको ट्रीट करो, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उनकी बात सुन लो कि वो कह क्या रहे हैं। कभी कभी यू नो ज़रूरी नहीं है कि सारा एक्सपीरियंसेस जो भी हैं वो आपके पास ही हैं, बड़े भी वो हुए हैं तो वो उनको इतने तजुर्बे हैं, उनको एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सुन लो उनकी भी। बाकी अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं तो यहाँ पे यू नो आपकी कैरियर तो सही चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पोजीशन पे हो, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो सेटिस्फाई नहीं हो अपनी सिचुएशन से। आपकी अर्निंग हो रही है लेकिन एक होता है ना कि आपका प्रोफेशन से आपका दिल भी खुश है, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और आप चाह रहे हो कि आप कुछ और तलाश करो आपके लाइफ में, कोई एक ऐसा प्रोफेशन तलाश करो जिससे आपको दिली खुशी भी मिले, और यू नो आपकी जो इनकम है, आप चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हों आपकी इनकम के लिए, केवल एक ही सोर्स में आप बंद के ना रहो, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। और इन्हीं पे मुझे इस मंथ यू नो आप वो स्ट्रेटजी बनाते हुए, वो काम में लगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इमोशनल आप लोग बहुत ज़्यादा हो, और आप लोग ऐसे लोग हो कि जो प्यार के बिना नहीं रह सकते। तो अगर कोई भी आपको यहाँ पे यू नो कोई भी आपको कुछ बात कह देता होगा तो वो बात आपको बहुत ज़्यादा डीप विद इन छुप जाती होगी। हाँ, तो ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा खुद को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेके आइए। इंसान की इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। आप एक टाइम पे आप सोचोगे कि भाई मुझे महीने की 50,000 सैलरी मिल जाए, जब आपको 50 मिलने लग जाएगी तो आपके लिए वो भी कम पड़ जाएगी। फिर आप सोचोगे कि मेरे को 1 लाख मिलने जाए, जब वो मिलने लग जाएगी, यू नो वो मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो उम्मीदें हैं, वो बढ़ती ही जाएंगी, वो लाइफ स्टाइल में उसी हिसाब से चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो, उसके साथ खुश रहना सीखो। थोड़ा सा अगर आपका कंप्लेनिंग नेचर हो गया है, हाँ कंप्लेन आपको बहुत ज़्यादा रहती हैं अपनी लाइफ से, अपने लोगों से, तो यकीन मानिए गाइस आप बहुत ज़्यादा लकी हो।
अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, आप लोग की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं ऐसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और जस्ट अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, थोड़ा सा कंप्लेनिंग नेचर से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन वाले नेचर में आओ। साथ में यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। कैंसर, कर्क राशि, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। क्या मसला है भाई, मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो किसी पर्सन के लिए, अगर आपके मन में फीलिंग भी है तो वहाँ पे अपनी बातें कह नहीं पा रहे हो, कितना भी ट्राई कर लो आप लोग, लेकिन आप लोग खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप में से बहुत सारे लोगों का जो थ्रोट चक्रा है वो वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए ये है कि अपनी बातों को कहना सीखो, अपने कम्युनिकेशंस पे काम करो। एक पता है इंसान के पास कम्युनिकेशन की पावर ऐसी होती है ना कि वो पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकता है, अगर आपके वो थ्रोट चक्रा की वो आपको पावर मिलने लग गई तो। तो पहला मैसेज यहाँ पे ये है कि अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, अपने थ्रोट चक्रा पे मेडिटेशन करो, ध्यान करो और अफर्मेशंस का यूज़ करो। ये जो मंथ है आप लोग के बीच में, आपके दिल और दिमाग में एक जंग चलने वाली है। स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करूँ, प्रैक्टिकल लाइफ को चूज़ करूँ, या फिर एक ये थोड़ा सा मुझे द्वंद्व दिखाई दे रहा है आपके माइंड में कि दिल दिमाग माइंड बॉडी सोल तीनों जो चीज़ें हैं आपकी वो उनमें थोड़ा सा वो स्ट्रगल चल रही है कि कौन सा रास्ता अपनाऊं। यहाँ पे आप लोग किसी भी कम्प्लीटली एक वे पे नहीं जा सकते, आप लोगों को ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करके आपसे कहा जा रहा है कि आपको चलना होगा, और यही आपके लिए एक रास्ता है। सबसे पहली बात मेडिटेशन करो। आप लोग मेडिटेशन करने लग जाते होंगे तो दुनियादारी से मन हट जाता होगा, आप किसी से बात करने का ही मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ इज़ हमें हर चीज़ में बैलेंस करना ही पड़ता है, और यही ज़िंदगी है, इसी हिसाब से ज़िंदगी चलती है। दूसरा, अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है कि आप बहुत टाइम से सेम चीज़ ही करते आ रहे हो। जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन ही करते आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस यही करता रहूँ, अब आगे क्या है। हाँ, तो ये जो थॉट है ये आपको थोड़ा सा परेशान कर देता है। तो देखो, अपॉर्चुनिटी को तलाश करो, मैनिफेस्ट करो, आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में, खुद से कनेक्ट करो। जब आप खुद को जान अपने चक्र का, इसमें आपको सजेस्ट करूँगी अपने चक्रास पे थोड़ा सा काम करिए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड। आप पॉजिटिव नो मैट, आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है ना वो चेंज करो, अपने माइंड प्रोग्रामिंग करो। ठीक है, मैं यहाँ से देखती हूँ कुछ और कार्ड आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ऑल टाइड अप। क्यों क्यों इतने ज्यादा परेशान हो अपनी जिंदगी से गाइस? आप बड़े ही परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। ये एक प्रॉब्लम आपके साथ आ जाती है, और कहीं ना कहीं मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोगों ने लाइफ में कुछ चीज़ें सोची थी कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, लेकिन आप उस तरीके से कर नहीं पाए। कुछ प्लान्स आपने आप लोगों की लाइफ में बनाए लेकिन आप उस तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो राइट नाउ आपसे ये कहा जा रहा है कि थकने का टाइम आपके लिए नहीं है, थकने का वक्त आप लोगों के लिए नहीं है, ये वक्त है, अपने आप को मोटिवेट करो, एक्शन में आओ, काम करो। बेसिकली जैन का जो मंथ है ना, आपको यहाँ पे खुद को मोटिवेट करना होगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सर्च करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानो, उसको यूज़ करो, उस पर काम करो। कैंसर, कर्क राशि, नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ शादी से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप लोग
आपके पेरेंट्स चाह रहे हो कि आप एक जगह सेटल हो जाओ, आप शादी कर लो, कोई सो एंड सो कोई भी उन्होंने पर्सन हो सकता है आपके लिए चूज़ कर लिए हो, देख लिए हो, वो आपको इंसिस्ट कर रहे हो कि आप इनसे शादी कर लो। और दो चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ लोग तो यहाँ पे चाहते हैं कि भाई पहले मैं और थोड़ा सेटल हो जाऊँ, मैं और अच्छे से अपने आप को यू नो फिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं शादी करूँ। कुछ लोग के माइंड में कोई पर्सन हो सकता है कि मैं इससे शादी कर लूँ, बट सिचुएशन थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है, और यही एक रीज़न है कि आप थोड़े से जैसे दोहराए पे से खड़े हो जाते हैं ना कि अब क्या करें। तो जैन के मंथ में ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ यू नो यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैन के मंथ में आपकी लव लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, कि आपको जाना है तो आपको किस रास्ते जाना है, आपको शादी करनी है तो आपको किस पर्सन से शादी करनी है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, तो या तो वो यू नो इस पर्सन यू नो जनरल रीडिंग है तो मैं आपको बता रही हूँ कि या तो ये जो भी पर्सन होंगे इस मंथ आप लोग की लाइफ में आ जाएंगे, या फिर आप लोग की शादी कहीं और फिक्स हो जाएगी। बट एक बात मैं बताऊँ, जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी ना, बहुत अच्छी यू नो वो पर्सन बहुत अच्छे होंगे, आपको समझेंगे, आपके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जस्ट यहाँ पे आप लोग प्रेयर्स करो, प्रेयर्स करो भगवान जी से, ईश्वर से, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हो, दिल से अपने लिए प्रेयर्स करो, ठीक है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो यू नो अगर आपको कुछ ऐसा फैक्टर है नेगेटिविटी रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो यहाँ पे या फिर ऐसा हो सकता है कि यू नो आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या फिर यू नो अगेन जैसे वो कोविड का दोबारा से यू नो बहुत ज़्यादा न्यूज़ इस टाइम पर सुनने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप सेफ हो, अगर आपको ये चीज़ लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो स्कॉर्पियो, आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और जस्ट आप प्रिकॉशंस फॉलो करो, लेकिन इस चीज़ का डिप्रेशन अपने ऊपर मत लो। कभी कभी एक होता है ना कि वो फोबिया टाइप हो जाता है, वो आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, कि वो एक थॉट आप उतना ज़्यादा सोच लेते हो कि आपको परेशान कर देता है। ऑफकोर्स यू नो टेंशन की बात तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग आपको रहना है, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो ताकि आप अपने आपके माइंड को शांत रख सको, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी इंट्यूशंस की सुनना गाइज, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं, क्या करवाना चाह रही हैं, आपको क्या गाइड कर रही हैं, अपनी इंट्यूशंस की सुनना, ठीक है। यहाँ से मैं लास्ट कार्ड्स ले लेती हूँ, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कमांडर अ स्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। ओके, सो यहाँ पे यू नो एक्शन बेस्ड आपका ये मंथ रहेगा, जिस टाइप के ऑफकोर्स जिस टाइप के आप एक्शन लोगे। ये मंथ के लिए पर्टिकुलरली आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो आप कोई भी चेंज एक्सपेक्ट मत करना। आपको अगर आपकी लाइफ में चेंजेस चाहिए, एज फॉर एग्जांपल आपको जॉब में चेंजेस चाहिए, तो फर्स्ट एक्शन आपको लेना होगा कि आप यू नो ट्राई करो, ट्राई आपको करना होगा। बेसिकली यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ पर्सिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, और बेसिकली अगर सीधे सीधे बोलूँ तो आपसे कहा जा रहा है अपने काम से काम रखो। आई नो कभी कभी यू नो वो जो मैसेज आता है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, लेकिन ठीक है मैंने एज इट इज़ आप लोगों को बोल दिया, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को बेकार की यू नो बातों को सोच के हेडेक लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे फोकस करो, अपने पर्पस पे फोकस करो। बहुत सारे फियर्स हैं आपके मन में, बहुत सारे डर को लेके बैठ जाते हो आप लोग, उनको जस्ट फियर्स को लेट गो करो। ऐसे फियर्स में ही जीते रहोगे क्या? हाँ नहीं ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको स्ट्रांग बनने की नीड है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ हुआ है आपके साथ यू नो पास्ट में, और उसका डर आपको ऐसा लगता है कहीं वो दोबारा ना हो जाए,
कहीं वो दोबारा ना हो जाए, कहीं वो दोबारा ना हो जाए। डीप ब्रीदिंग करो और मेडिटेशन ज़रूर करना। ओके सो इस रीडिंग के लिए इतना ही गाइस, मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।